स्वागत आपको फिर से इस ब्रांड न्यू वीडियो में। और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। कल इतना ज्यादा थक गए थे कि व्लॉग करना ही भूल गए। बाय द वे, मैं पहुंच चुका हूँ सिलीगुड़ी और आज के लिए मैं गियर अप हो चुका हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं और लेट्स गो बैक होम। चलो भाई, बेबी जीएस हो चुकी है तैयार। मैंने मैप लगा लिया है, फ्रेंड है यहाँ से 25 मिनट का रास्ता में, तो निकलते हैं। वैसे लेट निकल रहे हैं आज, बिकॉज दो दिन से उतना अच्छे से नींद पूरा हो नहीं रहा था। मैं सोचा कि आज थोड़ा लंबा चलना है तो थोड़ा ज़्यादा आराम कर लेते हैं, क्योंकि जाने वाला दिन और आने वाला दिन थोड़ा थकानदायक होता है। सोचता हूँ कि सिलीगुड़ी में कभी रुकूंगा, यहाँ पे बहुत सारा काम करवा लूँगा, चाहे गाड़ी का हो चाहे वो कैंपिंग का हो, बट कभी यहाँ ऐसा समय नहीं मिलता कि रुक सके। मज़ा आया। तो उधर क्या तोरसा में रुका हुआ था क्या, वो टेंट के पास में बना के? चलो बताते हैं। तो भैया यहाँ मिल चुके हैं अपने फ्रेंड, तो इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये सिलीगुड़ी में रहता है, चाय वो पीते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो अगर आधे घंटा भी यहाँ टाइम देता हूँ तो रात में मेरा 11-12 बज जाएगा आज घर पहुँचते। 13-14 घंटा का राइड है भाई। और क्या हाल है? खोल लेते हेलमेट। तो यहाँ से निकल चुके हैं, तो आज का दिन बहुत ही लंबा दिन होने वाला है। लंबा दिन इन द सेंस लंबा राइड होने वाला है। यहाँ पे बज चुका है 10:30 और अराउंड मैप के अकॉर्डिंग 11:30 बजे पहुँचेंगे। मान लेते हैं भाई 12 बजे पहुँचेंगे। तो इस बागडोगरा और सिलीगुड़ी को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। यहाँ से चलेंगे और अभी तो पूरा हाईवे मिलेगा, बट नाइट राइड भी करना पड़ेगा। यहाँ से लेते हैं यू टर्न और चलते हैं घर की ओर। वैसे चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो अपन कहीं रुक के थोड़ा सा लूप कर लेंगे। ऑल द चेन गंदा है बट घर जाके साफ़ करेंगे, बट लूप तो कर ही सकते हैं। तो जब तक हमें हाईवे मिलेगा तो थोड़ा खींच लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाए। रिटर्निंग जाने समय किशनगंज तक बड़ा अच्छा रोड मिलता है, बट दर्द देना शुरू हो जाता है उसके बाद से। 2 hours later. भाई साहब क्या कवर किए ना यार, अभी ऑलमोस्ट 90-100 किलोमीटर कवर कर लिए सिर्फ आधे घंटे में। गजब का भगाए भाई, गजब का भगाए। वैसे मैं पहुंच चुका हूँ इस्लामपुर और यहाँ के बाद थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, बिकॉज इधर का रोड उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। 4 lane है बट इतना पॉटहोल सब है ना बीच बीच में, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इधर आराम से चलते हैं। अच्छा ये सब रास्ता मैं दिन में कवर कर रहा हूँ, पर शाम होते के साथ इधर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, ये वाला स्पेशली किशनगंज वाला एरिया। जैसे ही हाईवे में भगाना शुरू किए, ये वाला फिर से इशू देने लगा। ये बार बार क्लच का जो ये पूरा सेट है ये ऊपर घूम जाता है, तो मिरर सही से दिखता नहीं है। इसको तो भाई घर जाके काम करवा लेंगे। बाय द वे पूर्णिया है यहाँ से 70 किलोमीटर, और तो जी वेलकम टू बिहार। और अपन पूर्णिया घुस चुके हैं, बोले तो बॉर्डर क्रॉस कर लिए। अरे ऑटो वाला क्या चलता है यार इधर से उधर, थोड़ा सा तो पानी है यार उसमें घुस जाएगा, क्या दिक्कत है उसे। और अभी भी दिखा रहा है कि हम 11 बजे रात में पहुँचेंगे। ब्रेक लिया था बट वो मैनेज हो गया फिर से। यार पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हरियाली शुरू हो गई, पूरे लहलहाते हुए खेत इधर इधर। बिहार में खेती बहुत ज़बरदस्त होता है। भगाते भगाते गाड़ी कब रिजर्व में आ गई पता ही नहीं चला, सिग्नल जल चुका है। तो फ्यूल डलवाएंगे और एयर भी चेक करवा लेंगे, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज गाड़ी बहुत ही गर्दा वाला चला रहे हैं, फुल एग्रेसिव मोड, जहाँ जगह मिला तुरंत खींच रहे हैं। तो यहाँ एक बाईपास है जो कि हमें हाईवे में रखेगा, तो इसी बाईपास से चलते हैं, ट्रैफिक में क्या ही फंसेंगे। वैसे भी इधर कम ट्रैफिक नहीं है, कोई भी लोग कहीं भी घुस जाता है यार। उससे पहले फ्यूल पंप घुसते हैं यार, यहाँ पे है इंडियन ऑयल। चलो रे भाई, जब चलना पीछे ही है तब काहे आगे आगे आता है ये लोग। पावर डला लेते हैं, आज ज़्यादा पावर मिलेगा। तो भैया पावर डलवा लिए तो अब थोड़ा शायद बढ़िया माइलेज मिलेगा। हवा वाला यहाँ था नहीं, हवा चेक करा नहीं पाए। मेरा 3000 का ग्लव्स गिर गया है, मैं पकड़ने की कोशिश किया बट पकड़ाया नहीं। अरे गाड़ी लूप मत चढ़ाना, मत चढ़ाना, मत चढ़ाना। अरे भाई तुम तो मत चढ़ाना। रुक जाओ रे भाई। बहुत बार कोशिश करते हैं ग्लव्स पहन के रहे, बट सोचे कहीं ब्रेक लेंगे तभी वहीं करेंगे, ब्रेक लेने का समय नहीं मिल पा रहा है। बिहार की खूबसूरती देख रहे हो, बिहार में गजब गजब तरह का पब्लिक होता है। अभी यहाँ सिग्नल खुला नहीं है, हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है ये। अरे भाई उड़ के जाएगा क्या, कि यहाँ रहने आया है ट्रैफिक में।
थोड़ा सा इंतजार नहीं होता कि थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं भाई नहीं बढ़ेगा तो हॉर्न मारेंगे। हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, अननेसेसरी हॉर्न मारने से इतना ज्यादा इरिटेशन होता है ना यार। इस साइड वाले एरिया में तो शॉप सब भी नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ ब्रेक ले। और टाइम हो गया है 1:30 बज गया है, अपन निकले थे 10 बजे, 10, 11, 12, 1, 4 घंटा हो गया। चलो यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, आई होप कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। चाय भी दिख ही रहा है, चाय भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि ये पूरा ऊपर उठ जाता है। नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। चलो भाई यहाँ चाय पी लिए, थोड़ा फ्रेश लिए, ये मिरर बहुत परेशान कर रहा है यार। सो लेट्स गो। बिहार झारखंड में बस लोग भी बहुत ही खराब तरीके से चलाता है। उधर से गाड़ी आ रहा है और ये हाथ देके इसको ओवरटेक कर रहा है। भाई अपना नहीं तो दूसरे का तो सेफ्टी देखा करो। हॉर्न बजा दिया, पास लाइट दे दिया, मतलब इसी को जाना है भाई, बाकी लोग तुम लोग रुको। तो यहाँ से भागलपुर है 67 किलोमीटर। तो उसके बाद हमें एक बीच में तो कहीं अच्छा हाईवे मिला था, बट याद नहीं आ रहा कहाँ से, भागलपुर के बाद ही था इतना याद है। ये है कोसी नदी, पूरा ही सूख गया है। सीरियसली मैं यार हम थक जा रहे हैं बिहार में गाड़ी चला चला के, कोई किधर से कूद रहा है, कोई किधर से कूद रहा है। पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है। कुछ टाइम पहले हम फ्यूल डलवाए थे X95 और मेरा एक कांटा तक अभी तक नहीं गिरा। सो ये फ़ायदा होता, थोड़ा महंगा पेट्रोल है बट अच्छा माइलेज मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिलता है, हल्का सा बूस्ट। बट 115 रुपये था यहाँ पे। यहाँ पे दो रास्ता, एक बगोदर लेके जाता और एक झुमरी तिलैया लेके जाता। तो हमने चूज़ किया ये वाला रास्ता क्योंकि ये रोड में हमें मिलेगा एक 4 लेन जो कि बहुत ही प्यारा है। उधर बहुत सारे बीच में गांव वाले एरिया था। सो आई हैव चूज दिस एंड टाइम हो गया 4:15। एक लंच ब्रेक अभी भी लेना था बट ले नहीं पाए क्योंकि भूख ही नहीं लग रहा है यार। टोल बूथ 500 मीटर, जगह का नाम है शाहपुर। हम लोग पहुँच गए शाहपुर टोल गेट। 4:30 बज गए यार, मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे वैसा जगह ही नहीं मिल रहा है जहाँ ब्रेकफास्ट कर सके यार। ये बीच सड़क में ये ट्रक क्या कर रहा है, बीच सड़क इनफैक्ट ये हाईवे में क्या कर रहा है भाई, गोल गोल घुमा के ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई। हाईवे और भी 4 लेन में, एक लास्ट थ्रॉटल खींच लेते हैं इस जगह में। इससे ज्यादा सेफ नहीं है यहाँ पे, कोई भी कूद जाएगा कहीं से। देखो ये उधर जा रहा है। बिहार इज नॉट सेफ फॉर हाई स्पीडिंग, वैसे इंडियन रोड्स आर नॉट सेफ। मुझे मन था ऐसे सनसेट में सनसेट को निहारना, डूबते हुए सूरज को देखना, बट आई हैव टू गो 222 किलोमीटर और। एंड बाय द वे अभी दिखा रहा है मैप हम 10 बजे पहुंचेंगे अगर हम नॉन स्टॉप चले तो, मैंने 1.5 घंटा कम कर दिया। तो ये रोड अगर सीधा जाए तो हमें पटना भी ले जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैप कहाँ लेके जा रहा है। सो दिस इज राजेंद्र पुल, द ब्रिज बिल्ट ऑन द रिवर गंगा। ये पूरा पुल में ही जाम लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकते, चुपचाप से यहीं पे रहते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। खुल गया खुल गया खुल गया। अब उधर वाला को रोक लिया जाएगा, अब उधर वाला खड़ा रहेगा 2 घंटा, ज्यादा रुकना नहीं पड़ा हमें। कैसे ये लोग खड़ा है अब लाइन से, अब खड़ा रहेगा ये लोग 20 मिनट तक मिनिमम, के बाद ही आगे जाने मिलेगा। इसका तो भाई यहीं पे फंस गया। चलो रे भाई चलो आगे चलो। सो और कुछ देर और फिर अंधेरा हो जाएगा और कुहासा भी शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, ये कुहासा अभी से नजर आ रहा है। एंड स्टिल वी आर 200 किलोमीटर अवे। हाईवे को देख के भगाने लग गए थे और ये रूट सीधा पटना लेके जाता, हमें यहाँ से उतरना है। हाईवे तक का सफर हमारा बस यहीं तक। और मॉर्निंग में राइड करने में फायदा होता है कि फॉग हटता है, बट अभी का टाइम भाई फॉग बढ़ेगा, जैसे जैसे रात होगा और ज्यादा फॉग होगा तो हल्का सा प्रॉब्लम होगा, 60-70 से ज्यादा तो चल नहीं पाएंगे। चलो भाई लेट्स गो। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक हो गया और मीटअप भी हो गया। यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुका, ये लोग गांव वाला घेर लिया था मुझे, कौन सा गाड़ी है का गाड़ी है यहाँ। 2 hours later। तो भाई यहाँ पर अपन लास्ट फुल टैंक भी करा लिए, जरूरत नहीं था, बट आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में घाटी सब भी आता है और आगे कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, फोन पे चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए अपन यहीं पे फुल टैंक करा लिए, इतना में घर आराम से पहुंच जाएंगे। सो भाई काफी देर के बाद, भगाने के बाद हम पहुंच
चुके हैं बर्री और यहाँ से हजारीबाग है सिर्फ 40 किलोमीटर। ज्यादा लोड नहीं है, आराम से निकल लेंगे। और यहाँ पे द फाइनल टोल गेट, वेलकम टू हजारीबाग। यहाँ पे एंड होता है ये ट्रिप। वेलकम बैक सेफ एंड साउंड, वेलकम टू बर्री हजारीबाग फी प्लाजा। मजा आ गया, एंजॉय द ट्रिप अलॉट।